देश भर में एक बार फिर कोरोना वायरस ने अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया है। दिनों दिन कोरोना के मामले में उछाल आता जा रहा है। पिछले दो वर्षों से कोरोना ने देश प्रदेश की सभी गतिविधियों पर प्रभाव डाला है। आइए देखते हैं कोरोना को लेकर हमारे उन संवाददाता दिनेश दसौंधी की विशेष रिपोर्ट। हमारे देश में कोरोना ने पिछले दो वर्षों पूर्व दस्तक दी थी। तब से आज तक इस वायरस के कारण दो बार देश भर की सभी गतिविधियों पर विराम लगाते हुए लॉकडाउन लगाए जा चुके हैं तथा तीसरी बार फिर से इस वायरस ने अपनी तेज रुख अख्तियार कर लिया है तथा नए साल 2022 के आगमन के साथ कोरोना के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़ों के हिसाब से 1 जनवरी के पूर्व कोरोना के संक्रमण की दर मात्र 2% के आसपास अटकी हुई थी, जो अब बढ़कर 15% के आसपास पहुंच चुकी है। एवं स्कूलें व प्रदेश भर में एहतियातन के तौर पर स्कूलों को बंद करने के अलावा और भी कई तरह के प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। उनसे दिनेश दसौंधी की रिपोर्ट। प्रदेश के साथ हमारे जिले और गांवों में कोरोना ने फिर से दस्तक दे दी है और एक बार फिर से कोरोना के मामले बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हम बात करें कोरोना की तो 2020 में कोरोना ने हमारे देश में दस्तक दी थी और जनवरी से उस समय 2020 में जनवरी से मार्च तक में केवल 3 पेशेंट केरल के अंदर मिले थे। उसके बाद में आज तक हमने कोरोना काल के अंदर कई तरह के उतार चढ़ाव को देखा है और कई तरह के उतार चढ़ाव से निकले हैं। लॉकडाउन हो, ऑक्सीजन की कमी हो, ऐसे कई समय निकले हैं जो आज भी हमारे दिल को झकझोर देते हैं। आइए देखते हैं कोरोना को लेकर के हमारी एक विशेष रिपोर्ट। के बस स्टैंड चौराहे पर जहां आज जो सड़क के ऊपर चहल पहल दिखाई दे रही थी, वर्ष 2020 में लॉकडाउन के दौरान इन्हीं सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। आज आम जनजीवन मास्क से दूर हो गया है और मास्क की अनिवार्यता को भूल गया है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि लॉकडाउन का वो दौर फिर से आ जाए और फिर से हमें लॉकडाउन के दौर से गुजरना पड़े। लॉकडाउन का वो दौर, वर्ष 2020 में मार्च और अप्रैल का वो समय आज हम भूल नहीं सकते हैं। उस समय हमने मौतों के मंजर देखे हैं, हॉस्पिटलों के अंदर ऑक्सीजन की कमी के कारण कई लोगों को परेशान होते देखा है। ये सबक था हम लोगों के लिए कि हम कोरोना गाइडलाइंस को हमेशा के लिए अपने जीवन में उतार लें। आज समय आ गया है कि फिर से एक बार कोरोना नियमों को अपने जीवन में उतारें और आगे की ओर अग्रसर हों। आज SW24 आप सभी से अनुरोध करता है, निवेदन करता है, करबद्ध अपील करता है कि कोरोना नियमों के पालन को फिर से अपने जीवन में उतार लें, ताकि पिछले वर्ष मार्च और अप्रैल के दौरान हमने जो समय देखा है वो अब फिर से देखने और दोहराने का वक्त नहीं आए। इस शेयर के साथ इस रिपोर्ट को ख़त्म करूंगा कि अपनी किस्मत पर इतना न इतराए ज़िंदगी, अपनी किस्मत पर इतना न इतराए ज़िंदगी, वो तो मौत ही है जो तुझे मोहलत देती जा रही है। आज की विशेष खबर में इतना ही। खबरें अभी बाकी हैं, बाकी खबरों के लिए देखते रहे SW24। कैमरा पर्सन दुर्गेश कुमार के साथ दिनेश दसौंधी, SW24 ऊन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।